नमस्ते, मैं सविता गोस्वामी। मैं साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस कठिन समय में हम सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी हमारे मन में कभी न कभी उदासी भरे, निराशा भरे विचार आ जाते हैं। और कितनी भी कोशिश क्यों न करें, ये विचार बार बार उमड़ते रहते हैं। तो आज मैं आप सबसे एक ऐसे टेक्निक की बात करूंगी जो इन निराशा भरे विचारों को निपटने में, उनको थोड़ी देर दूर रखने में काम आ सकता है। तो इस टेक्निक का नाम है सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है अपने आप से बात करना, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है खुद से सकारात्मक बात करना। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जब भी उदासी भरे विचार आते हैं, और स्पेशली ये जो हमारी सिचुएशन है, इसमें हम सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हो गया, अब क्यों होना था, और कब सब ये पहले जैसा हो जाएगा, तो ऐसे में हम अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ अपने आप से बात करते हैं कि हो जाएगा, हिम्मत रखो, ये दिन भी निकल जाएंगे। पर ये विचार, जो सकारात्मक विचार है, ये ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, और ऐसे में फिर से वही विचार बार बार आने लग जाते हैं। तो मुझे गाना गुनगुनाना पसंद है, तो सेल्फ टॉक और गाना, इन दोनों को मिला के मैंने एक अपना फंडा इस्तेमाल किया है, जिससे मैं पॉजिटिव विचारों को ज़्यादा देर अपने जहन में रख सकती हूँ। सो यही उदाहरण लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और ये सब कब ठीक हो जाएगा। तो इस विचार के लिए एक पॉजिटिव विचार, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। तो जब हम मानते हैं कि दिन भी निकल जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि परिस्थिति को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए स्वीकारना बहुत ज़रूरी है कि ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है, है ना। या फिर जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े गम है और थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है। तो ये जो विचार है, हम प्रैक्टिस अगर इसकी करते हैं, और धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं कि इसमें गाना हो, इसमें कविता हो सकती है, शेर व शायरी हो सकती है, जैसे लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जब हम स्वीकारते हैं, तब हम प्लानिंग करते हैं, और ख़ुद को ये भी बताना ज़रूरी है कि हम खुश नसीब है कि हम हमारे परिवार के साथ है, वो हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव विचार के लिए हम ये कह सकते हैं कि तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे। या फिर तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार के राहों में जल गए। तो हमें क्या करना है,
हमें खुद से बात करनी है और अपने पसंदीदा ढंग में उन पॉजिटिव विचारों को हमारे मन में बार बार लाना है। आत्मबल आत्मशक्ति के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस परिस्थिति में हमारी मदद सिर्फ हम ही कर सकते हैं और हमें अगर प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, तो हमें बस यही मांगना है कि और शक्ति हमें मिले और आत्मशक्ति हमें मिले। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। भूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए।